नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ये जो घुटने पे लगाने वाले अप्लायंसेज होते हैं, मतलब जैसे नी कैप होती है, नी ब्रेसेस होती है, क्रेब बैंडेज होती है, उनका उपयोग आपको कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कौन सा ब्रेस आपके केस में उपयोगी होता है। तो दोस्तों, यदि ब्रेस और क्रेब बैंडेज और नी कैप के बारे में हम बात करें तो बेसिकली इसके उपयोग के बारे में हम लोगों को इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, इमीडिएटली इंजरी के बाद में किस तरीके की चीजों का आपको अप्लाई करना चाहिए और दूसरा, ऑपरेशन के बाद में किस तरह के ब्रेसेस की आपको जरूरत पड़ती है। तो पहली अवस्था जो होती है इमीडिएट चोट लगने के बाद में, सपोज आपको कोई लिगामेंट का इंजरी हुआ है या लिगामेंट का इंजरी नहीं भी हुआ है, कोई बहुत ही सुपरफिशियल चोट लगी है, लिगामेंट में ज्यादा चोट नहीं लगी है, सिर्फ हल्के फुल्के मांस की चोट लगी है, तो भी आपके जो चिकित्सक होते हैं वो आपको नी को रेस्ट देने का सलाह देते हैं। तो रेस्ट देने का जो सबसे उपयुक्त तरीका होता है वो होता है घुटने के ऊपर एक ब्रेस को बांधना। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज क्रेब बैंडेज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा क्रेब बैंडेज है। जनरली जो घुटने के ऊपर क्रेब बैंडेज लगाया जाना चाहिए उसका साइज होता है लगभग 6 इंच के आसपास। क्रेब बैंडेज का रोल ये होता है कि वो सिर्फ घुटने के ऊपर एक कंप्रेशन देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कंप्रेशन मतलब जब भी किसी जोड़ के ऊपर चोट लगती है तो क्या होता है कि वहां पर ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे वहां पर सूजन बढ़ सकती है, तो सूजन को काबू में रखने के लिए हल्के हाथ से उसके ऊपर क्रेब बैंडेज बांधने का आप लोगों को एडवाइस दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्रेब बैंडेज। क्रेब बैंडेज का उपयोग सिर्फ सूजन कम करने के लिए। दोस्तों, ये बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए कि क्रेब बैंडेज किसी भी किस्म का स्थिरता आपके जोड़ को नहीं दे सकता। मतलब यदि आपके लिगामेंट में बहुत ज्यादा इंजरी है और आपने सिर्फ क्रेब बैंडेज बांध के आप काम चला रहे हैं तो आपको किसी भी किस्म का स्थिरता नहीं मिलेगा और गिरने की संभावना आपको बनी रहेगी। दूसरी जो चीज होती है नी कैप। अब नी कैप का उपयोग कई खिलाड़ी सामान्य अपने खेल के दौरान करते हैं, कई जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं जब उनको घुटने में दर्द होता है तब वो अक्सर इस नी कैप को बांध के रखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली नी कैप और नी ब्रेस के बीच में अंतर को कई बार नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, चोट लगी, सपोज कोई मेजर लिगामेंट का भी इंजरी है, बहुत ज्यादा सूजन आई है, लचक जैसी संभावना लगती है, तो कितने पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि सर हमने नी कैप उसके ऊपर बांध रखा है। तो दोस्तों, बहुत विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए, नी कैप भी एक तरह से क्रेब बैंडेज की तरह से ही काम करता है। मतलब ये घुटने के ऊपर की जो सूजन है उसको कंप्रेशन दे सकता है, परंतु आप देखिए ये सिर्फ एक मोजा होता है, इसमें साइड में किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं होता, तो ये भी आपके जोड़ को स्थिरता किसी भी किस्म से नहीं दे सकता। तो यहां तक ये समझने की बात है कि जहां तक घुटने की सूजन को कंट्रोल करने के लिए कंप्रेशन देने का सवाल है, क्रेब बैंडेज या नी कैप जो होती है उसका उपयोग इसमें किया जाना चाहिए, परंतु ये दोनों चीजें आपके घुटने को किसी किस्म का स्थिरता नहीं दे सकती। यदि लिगामेंट पूरा टूटा है, एमआरआई के बाद में आपको पता चलता है कि लिगामेंट पूरा टूटा है, तो ये दोनों चीजें आपको किसी भी तरीके से स्थिरता नहीं देंगी और आपको गिरने से बचाने में मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सबसे कॉमन जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपने ब्रेस लगा रखा है, वो कहते हैं हाँ ब्रेस लगा रखा है, जब देखा जाता है तो पता चलता है कि वो नी कैप बांधी है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, नी कैप और नी ब्रेस में बहुत ही साफ अंतर होता है। अब हम बात करते हैं नी ब्रेसेस के बारे में। तो नी ब्रेस का मतलब होता है कि जिससे घुटने को ब्रेस किया जा सके, जिससे कि घुटने को सपोर्ट दिया जा सके। अब यदि कोई चोट लगी है और पैर को स्थिर एक अवस्था में रखना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसके ऊपर एक प्लास्टर लगा सकते हैं या फिर एक चिपकने वाला पट्टा जिसे कि नी ब्रेस बोला जाता है, उससे उस घुटने को इमोबिलाइज एक तरह से कर सकते हैं। प्लास्टर का यदि हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी है, लिगामेंट का इंजरी है, तो प्लास्टर का नुकसान दोस्तों ये हो सकता है कि सपोज आपने 3 वीक से 1 महीने का लगातार प्लास्टर बांध के रख दिया तो घुटने में जाम होने का संभावना रहता है, प्लास्टर से कुछ इरिटेशन भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां की सिर्फ लिगामेंट इंजरी हुई है, हड्डी का चोट कोई नहीं हुआ है, बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, वहां पे प्लास्टर का रोल नहीं होता। हर समझदार जानकार स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ वो केस में सिर्फ आपको ब्रेस बांधने की सलाह देता है। अब हम बात करते हैं कि चोट लगने की इमीडिएटली बाद किस तरह के ब्रेस आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, घुटने के ऊपर जो पहला ब्रेस लगाया जा सकता है वो होता है शॉर्टनिंग ब्रेस, मतलब छोटा पट्टा। ये जनरली जो आपका घुटना होता है उससे 3-4 इंच ऊपर और 3-4 इंच नीचे तक जाता है, और इसमें भी एक विशेष प्रकार होती है जिसे बोला जाता है हिंजनिंग ब्रेस। हिंज मतलब उसके अंदर जोड़ लगा रहता है, तो क्या होता है, उससे
कि ये इस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट अपने को संभव होता है, मतलब ये जोड़ से आप ब्रेस बांधने के बाद में अपना घुटना मोड़ सकते हैं। तो अधिकतर केसेस में मैं हमेशा अपने पेशेंट को शॉर्टनी ब्रेस हिंज बांधने की सलाह देता हूं जबकि उनको लिगामेंट इंजरी हो चुकी है और वो अपनी सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं या किसी कारण से कुछ 5-10 दिन वो सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों वो दौरान उनको शॉर्टनी ब्रेस हिंज बांध के रखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये शॉर्टनी ब्रेस हिंज कितने समय तक बांध के रखना चाहिए, कितने समय मतलब अगला सवाल ये होता है कि क्या हम इसे 24 घंटे बांध के रखें या किस तरीके से बांध के रखें। तो दोस्तों बहुत सीधी साफ सपाट बात, लिगामेंट का इंजरी हुई है तो सूजन को कंट्रोल करने के लिए क्रेप बैंडेज या नी कैप, स्थिरता देने के लिए नी ब्रेस। नी ब्रेस का उपयोग जब भी आप उस घुटने पे वजन डाल के चलते हैं तब आपको विशेष रूप से इस नी ब्रेस का उपयोग करने का होता है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब आप इस नी ब्रेस को हटा सकते हैं क्योंकि आपको कोई स्थिरता नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कंप्रेशन चाहिए। तो आप यदि वॉशरूम भी जाते हैं, सोते में से पानी पीने के लिए भी उठते हैं तो भी विशेष रूप से आपको इस ब्रेस का बहुत ज्यादा जरूरत है चोट इमीडिएटली लगने के बाद में यदि आपका लिगामेंट टूटा है। क्यों? क्योंकि जब आपके घुटने का लिगामेंट टूट चुका है तो उस जोड़ में स्थिरता नहीं है, आपको दोबारा गिरने का बहुत ज्यादा गुंजाइश है और विशेष रूप से जब आप नींद में सो के उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, स्लिप फ्लोर के जो स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं उनके ऊपर आपका पैर पड़ सकता है, आप फिसल सकते हैं, आप सोते में से उठ के अचानक से जाते हैं पानी पीने के लिए, अचानक से घूमते हैं, तो वो विशेष समय होता है जबकि आपको चोट लग सकती है। रैंप से उतरते टाइम, सीढ़ी से उतरते टाइम बहुत विशेष आपको ध्यान रखना होता है। तो चोट लगने के इमीडिएटली बाद जो आपको ब्रेस बांधना होता है अधिकतर केसेस में शॉर्टनी ब्रेस हिंज। एक और ब्रेस होता है जिसे बोला जाता है लॉन्गनी ब्रेस, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। लॉन्गनी ब्रेस जनरली जो जांघ का ऊपर का हिस्सा होता है उससे लेके नीचे जो अपना एंकल होता है वहां तक के एरिया को कवर करता है। दोस्तों इसका उपयोग अधिकतर केसेस में मैं हमेशा ऑपरेशन के बाद में करता हूं, पर यदि किसी कारणवश आपके पास में लॉन्गनी ब्रेस है और यदि इससे भी आप इमोबिलाइज करना चाहते हैं, मतलब आपका लिगामेंट टूट चुका है और आप उसको सपोर्ट देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि अपने घुटने की स्थिति के अनुसार बीच बीच में अपने को घुटने मोड़ता रहना चाहिए। यदि कोई किस्म का फ्रैक्चर है वो केस में जरूर हम पैर को कुछ समय के लिए सीधा रखते हैं, घुटना मोड़ना अलाउ नहीं करते हैं, परंतु सिर्फ यदि मांस की चोट है, सिर्फ लिगामेंट टूटा है, वो केस में डेफिनेटली घुटने के अंदर मूवमेंट बना रहना चाहिए, तभी हम उस घुटने को जाम होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने ये समझा कि चोट लगने के बाद में क्रेप बैंडेज, नी कैप कंप्रेशन देने के लिए, स्थिरता इनसे बिल्कुल नहीं मिलती, नी ब्रेस, शॉर्ट नी ब्रेस हिंज आप देख लीजिए क्योंकि अधिकतर पेशेंट मुझे जब भी मैं एडवाइस करता हूं उसका फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप देख लीजिए और ये मैंने एक साइड में इसका फोटो भी पेस्ट किया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो इस किस्म का हिंज नी ब्रेस जनरली चोट लगने के बाद में ऑपरेशन तक पहनने का सलाह दिया जाता है। अब दोस्तों अगले सेक्शन पर बढ़ के हम लोग बात करते हैं कि जब आपका लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है, सपोज आपका ACL का सर्जरी हो चुका है तब भी इस ब्रेसेस का अत्यधिक उपयोग होता है, तो वो केस में किस किस्म का ब्रेस कब तक और कैसे लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद में जो ब्रेस हम लगाते हैं जैसा आप देख सकते हैं वो होता है लॉन्गनी ब्रेस जो कि आपके जांघ से लेकर एंकल तक आता है। जनरली ये एक सीधा लॉन्गनी ब्रेस होता है, इसमें हिंजेस नहीं होते हैं, परंतु इसमें और एक विशेष प्रकार का ब्रेस आता है जिसे हम बोलते हैं ROM ब्रेस। दोस्तों ROM ब्रेस का कीमत थोड़ा सा अधिक होता है, पर ROM ब्रेस का एडवांटेज ये होता है कि आप इस ब्रेस को बांधे बांधे ही अपना घुटना मोड़ सकते हैं तो घुटने को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो एंगल है उस पर आप एक लॉक लगा सकते हैं, मतलब यदि कई बार हम अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको भाई 30 डिग्री ही घुटना मोड़ना अलाउड है, तो वो केसेस में आपने 30 डिग्री पर लॉक लगाया तो ये आपका ब्रेस ये 30 डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह से ROM ब्रेस या एक जो सीधा लॉन्गनी ब्रेस होता है वो इमीडिएटली लिगामेंट का सर्जरी के बाद में आपके डॉक्टर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा आपको दिया जाता है। जनरली ये 2-3 वीक तक लॉन्गनी ब्रेस रखा जाता है, उसके बाद में ये जो शॉर्टनी ब्रेस हिंज है जो कि आपको चोट लगने के बाद में और आपने जो सर्जरी तक लगाया है उसका उपयोग आपको दोबारा
करने का अलाउड होता है, और ये शॉर्ट नी ब्रेस हिंज आप अपने लॉन्ग नी ब्रेस पर रिप्लेस करके लगा सकते हैं। दोस्तों ये समय सीमा जनरली 3 वीक के आसपास हम इसको शॉर्ट नी ब्रेस पे शिफ्ट करते हैं, और शॉर्ट नी ब्रेस को भी अगले हम 3 वीक बाद में हटा देते हैं, मतलब 6 वीक तक लगभग ये ब्रेस का सपोर्ट हमको रखना होता है। अब क्रेप बैंडेज का उपयोग भी सर्जरी के बाद में होता है, तो दोस्तों सर्जरी के इमीडिएटली बाद भी अधिकतर केसेस में हम लोग ये क्रेप बैंडेज लगाते हैं, परंतु इस क्रेप बैंडेज का उपयोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका उपयोग सिर्फ स्वेलिंग को, जो सूजन है उसको कंप्रेस करने के लिए होता है, तो उसका उपयोग इनिशियली जो हफ्ता 10 दिन होता है उसी में इस क्रेप बैंडेज का उपयोग होता है, और सर्जरी के बाद में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि जो जोड़ में सर्जरी के बाद में सूजन आती है वो उसके ऊपर नहीं आए। तो दोस्तों सबसे मोटा मोटा जो टेक होम मैसेज है, आपको इस नी कैप और ब्रेस में फर्क पता होना चाहिए। यदि आप इस नी कैप को ब्रेस समझ के लगा के घूमते हैं तो आप ये मानिए कि आपको चोट लगने का पूरा पूरा दोबारा से संभावना है, यदि लिगामेंट टूटा है आपके घुटने में दोबारा लचक आएगी और ये आपको किसी किस्म का सहारा नहीं दे सकती। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बात किया घुटने पर लगने वाली ब्रेसेस के बारे में। घुटने पर कुछ और ब्रेसेस भी लगाई जा सकती है जिनको कि अनलोडिंग ब्रेसेस कहते हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जैसे जोड़ के अंदर घिसावट आ गई और चलने फिरने के अंदर दिक्कत आ रही है तो थोड़े जोड़ को सपोर्ट देने के लिए वो किस्म के ब्रेसेस का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें बोला जाता है अनलोडिंग ब्रेसेस। और ये ब्रेसेस कई बार काफी महंगी आती है, कार्बन फाइबर की बनी होती है, बड़ी हल्की होती है, पर इनका चोट से कोई संबंध नहीं होता, ये अधिकतर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में उपयोग की जाती हैं। जहां तक ब्रांड्स का सवाल है, अधिकतर इंडियन ब्रांड होते हैं जो कि हर केसेस में हम लोग उपयोग करते हैं, ये सस्ते और सुंदर ब्रांड होते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत लंबे समय तक ब्रेस का उपयोग नहीं करना होता, परंतु साथ में ही कुछ जो वेस्टर्न कंपनीज होती हैं उनके भी ब्रांड हमारे साथ में उपलब्ध होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि वो ब्रेसेस काफी हल्की होती है, ROM का उनमें फैसिलिटी होती है, मतलब जॉइंट लगा रहता है जिसको कि आप उसमें लॉक कर सकते हैं, तो इस किस्म के ब्रेसेस भी हमारे पास में उपलब्ध होते हैं, परंतु उनका कीमत डेफिनेटली सामान्य जो इंडियन ब्रेसेस होते हैं उनसे कई बार 5 से 6 गुना से भी अधिक तक होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग घुटने पर लगने वाले जो ब्रेसेस, क्रेप बैंडेज और नी कैप होती है उनके डिफरेंस को समझने में सक्षम रहे हैं, और हम लोगों को यह भी पता चला है कि इनका उपयोग कब करने का होता है। फिर भी यदि आपको इस बारे में कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए हमारी जो स्पोर्ट्स मेड की विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077444, उस पर आप अपना MRI व्हाट्सएप करके भी हमारी टीम के माध्यम से एक मुफ्त मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, धन्यवाद।